जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है नॉर्मलाइजेशन पे, जो एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन होता है। आप सभी को पता होगा बहुत सारे बच्चे पिछली बार जो इतने भी मेरिट में रह गए वो भी नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी खिलाफत कर रहे हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान हो गया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है पेपर में और इससे क्या फ़ायदा आपको पता है। बहुत सारे बच्चे आप नीचे कमेंट भी पढ़ लोगे, बोलेंगे कि सर हमसे कम नंबर वालों का नंबर आ गया और हमारे ज़्यादा नंबर होते हुए भी हमारा नंबर नहीं आया। नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कई बार कम नंबर वाले के भी नंबर आ जाता है और ज़्यादा नंबर वाले के कम भी हो जाते हैं। तो किस कारण से ये नंबर कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्या इसका रीज़न है? और पिछली जो 2018 की जो वैकेंसी रही है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मतलब जिनके 100 में से 105, 103 ऐसे नंबर भी हुए हैं, मतलब 100 में से 100 से ज़्यादा भी आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन जैसे, क्योंकि ये गुणक में होता है। और क्या इसका रीज़न है इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन का क्या रीज़न है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ जाते हैं और आपके अगर किस्मत काम किए तो आपका कम नंबर पर भी आपका नंबर आ जाता है और अगर आपके बेड लक रहा यानी किस्मत ख़राब रहे तो आपके नंबर ज़्यादा होते हुए भी आपके नंबर ना आएगा। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, पहले तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर तैयारी करें तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास में रहा नहीं है। मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त में आपके पेपर, मतलब 4 महीने का समय है। 4 महीने में फाड़ दीजिए पूरी की पूरी किताबों को, इधर से उधर आंखें पूरी स्कैन कर लीजिए। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो ये बुक है, इसमें मॉडल पेपर है, ओल्ड पेपर भी दिए हुए हैं, उसे आप पकड़ सकते हो कि सिलेबस किस प्रकार का आता है। मॉडल पेपर भी अपने आप को जांच भी सकते हो, बहुत ही शानदार बुक आप परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया मैंने आपके लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता। पहले तो ये जरूरी की है, जरूरी इसलिए दोस्तों क्या है कि जैसे एसएससीडी का अगर मान लो एग्जाम चल रहा है तो एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही है, 20 दिन चल रहा है तो कितनी हो गई, 60 शिफ्ट, यानी 60 शिफ्ट एग्जाम हो रहे हैं। तो क्या सभी पेपर एक जैसा बन सकता है? 60 के 60 पेपर एक जैसे हो सकते हैं भाई? 60 पेपर बनाने एक जैसे हो सकते हैं क्या? सब में अलग अलग क्वेश्चन डालने, सब में सेम ही क्वेश्चन नहीं डालने ना, सब में किसी में कोई क्वेश्चन डालना है, सभी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डालना है, तो सेम तो नहीं हो सकते ना। तो होता क्या है कि कोई पेपर बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है और एक बंदा तो बनाता नहीं। अगर मैं अकेला बनाऊंगा तो मान लो कोशिश करूंगा कि सेम सब बना दूं, लेकिन एक बंदा तो बनाता नहीं। SSC GD के जो एग्ज़ाम पेपर बनते हैं एक बंदा नहीं बनाता, ये बहुत सारे मतलब एक टीम होती है टीचरों की, उनसे बनवाए जाते हैं, ठीक है। और उनके उनको भी नहीं पता उनका कौन सा क्वेश्चन काम में लिया जाएगा, कौन से पेपर में लिया जाएगा, क्योंकि अगर उनको पता होगा तो वो किसी न किसी को बता देंगे। तो इस प्रकार से जब पेपर बनते हैं ना तो कमाइंड ऐसे अलग अलग क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन ऐड किया जाता है, किसी का कोई क्वेश्चन ऐड किया जाता है, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है और उनको भी पता ना चले। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। तो होता क्या है, मान लो क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग लिए गए, तो क्या होगा कई शिफ्ट में ऐसा होगा कि पेपर बहुत टफ बन जाएगा, यानी जितने भी क्वेश्चन लिए वो टफ वाले SSC GD या किसी भी एग्जाम के लेवल में आप देखना, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ बहुत टफ आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी का पेपर, कुछ शिफ्ट का पेपर क्या होगा बिल्कुल ईजी बन जाएगा, तो उस शिफ्ट में बच्चे के स्कोर चले जाएंगे 85, 90, 80, 85 ऐसे नंबर, मतलब नॉर्मल बच्चों के, क्योंकि बिल्कुल ईजी ईजी क्वेश्चन, मान लो GK के भी छठ के ईजी ईजी क्वेश्चन आ गए हैं, मैथ के भी ईजी ईजी आ गए, रीजनिंग के भी ईजी आ गए, हिंदी के भी ईजी ईजी क्वेश्चन आ गए, तो स्कोर क्या होगा बहुत ही ऊपर चला जाएगा। कुछ पेपर ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा GK के भी डीप डीप वाले क्वेश्चन आ गए, मैथ के भी टफ टफ वाले क्वेश्चन आ गए, तो उसमें क्या होगा कि बच्चों के स्कोर नहीं जाएगा। तो जब 60 क्वेश्चन पेपर बनेंगे, 60-20 दिन चलेगी 3 शिफ्ट में, तो इतने क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो होगा क्या कि हर एक क्वेश्चन बराबर पेपर नहीं हो सकता, तो उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी ताकि इन पेपरों का जो औसत है ना उसको बराबर किया जाता है। अब उसको कैसे पकड़ा जाता है कि भाई ये पेपर टफ हुआ कि नहीं हुआ, तो दोस्तों क्या करते हैं जैसे एक शिफ्ट में जो पेपर हुआ तो उस शिफ्ट के सभी बच्चों के नंबर देख लेते हैं, तो उनसे उनको पता चल जाता है कि भाई पेपर का लेवल, क्योंकि एक बच्चे का नहीं देख रहे, मान लो एक शिफ्ट में 5,000 या 50,000 बच्चे बैठे, तो 50,000 बच्चों के वो नंबर देख के औसत निकाल लेंगे उन नंबरों की, तो औसत निकालेंगे तो औसत से क्या होगा उनको पता चल जाएगा भाई औसत इतने नंबर आ रहे हैं हर एक बंदे के, तो चलो ये पेपर ईजी हुआ है। अगर मान लो औसत 60 आ रहे हैं इसका मतलब ईजी हुआ, फिर वो किसी दूसरी अगली शिफ्ट का औसत निकालेंगे, उसमें मान लो 43 नंबर ही आ रहे हैं सभी के औसत, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर बहुत टफ हुआ है। तो क्या करेंगे जिसमें पेपर टफ हुआ है तो फिर उनकी औसत सेम करने के लिए, यानी एक फिक्स औसत करने के लिए पूरी भर्ती का, तो जितनी जिसके जिस औसत से जितने नंबर कम है उनमें उतने उतने नंबर ही जोड़े जाते हैं,
ठीक है, और कईयों के औसत से ऊपर चले जाते हैं तो उनको कम करके भी औसत एक बराबर किया जाता है, यानी बराबर औसत करते हैं। तो उसको कैसे जोड़े जाते हैं, फिर हर एक बंदे के उतने नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है, वो डिसाइड करने के लिए। तो ये नहीं कि भाई अब मतलब सबके 60-60 नंबर कर देंगे, ऐसा नहीं, औसत सेम मिलाने के लिए क्या करेंगे, हर एक बंदे के जैसे पहले 10-10 नंबर जोड़ के देख लेंगे, उससे नहीं मिल रहा तो 12-12 जोड़ के देख लेंगे, उससे मिल गया ठीक है, वो फिर एक औसत डिसाइड करेंगे पूरी की पूरी भर्ती का, ठीक है। पहले सभी की औसत निकालेंगे, सभी की कमांड औसत निकाल के बोलेंगे कि हाँ ये औसत, ये बिल्कुल कंपेरिजन है, बराबर यहाँ पर कंपेरिजन हो जाएगा। ये एक टीम गठित होती है, वहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, वो गठित करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है। तो होगा क्या, अब मान लो कई बच्चों के जो इजी पेपर होंगे तो उनके वास्तविक नंबर ज़्यादा होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके कम भी कर देते हैं, फिर बाद में वो बोलते हैं कि हमारे नंबर कम नहीं करते तो हमारा नंबर आ जाते हैं। लेकिन जो टफ पेपर होगा उनको क्या होगा, उनके वो नंबर वहाँ तक पहुँचाने के लिए, यानी उस औसत तक पहुँचाने के लिए, जैसे एक नॉर्मल चीज़ बताऊँ, जैसे चार शिफ्ट है, एक का औसत 43, एक का 55 रहा, एक का 60 रहा और एक का 30 रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन चारों औसत को मिलाएंगे, फिर इनका एक औसत निकालेंगे। तो जब इनका औसत हो जाएगा, जब मान लो औसत आ गया 48, यानी इसका मतलब क्या है कि 48 मेन औसत है। अब जो नीचे है ना, इनमें क्या करेंगे, इतने इतने नंबर जोड़े ताकि इनका भी औसत 48 हो जाए, और जो ऊपर वाले उनका इतना इतना कम कर देंगे कि इनका औसत भी 48 हो जाए, फिर ये भर्ती एक फिक्स मापदंड में आ जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन, उसके आधार पर फिर वो नंबर ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा कि भाई इस शिफ्ट में ऊपर कर दो, इस शिफ्ट में नीचे कर दो, इसमें 10 नंबर प्लस कर दो, इस शिफ्ट में 20 नंबर प्लस कर दो, ऐसे नहीं होता। उनका औसत निकाल के पूरा का पूरा मापदंड किया जाता है, ऊपर देखा जाता है पूरी शिफ्ट का रिजल्ट, उससे पता चलता है कि हाँ इसमें 50,000 बच्चों के इतने कम नंबर आए, तो इसका मतलब है कि पेपर टफ है, या इस 50,000 में इतने नंबर आए हैं, इसका मतलब है कि पेपर इजी है, लो लेवल है, हाई लेवल है, ये वहाँ पर डिसाइड होता है। फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन करके ऊपर नीचे किया जाता है। अब जिनके बेस्ट अच्छे लग होते हैं उनके क्या कि कई बार बहुत अच्छे नंबर बढ़ जाते हैं, उनका नंबर आ जाता है, जिनकी किस्मत ख़राब होती है उनके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद करें कि आपका पेपर टफ हो, टफ पेपर होना ज़्यादा बेटर रहेगा SSC GT में, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी नंबर बढ़ जाते हैं अगर पेपर आपका टफ रहा तो। ईजी के बजाय पेपर आपका टफ होना चाहिए। तो दोस्तों ये है पूरी नॉर्मलाइजेशन का माजरा आपको समझ में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन सही है, नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में तो पूरी SSC GT के 43 लाख या 44 लाख या 45 लाख लोगों बच्चों के एक साथ तो रिजल्ट नहीं कर सकते, एक साथ तो पेपर अटेंड नहीं करा सकते, ऑफलाइन तो है नहीं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, एक साथ तो इतने एग्जाम पॉसिबल नहीं है। अलग अलग शिफ्ट में होगा तो सीधी सी बात है पेपर में भी ऊपर नीचे का फर्क रहेगा, कोई ईजी रहेगा, कोई हार्ड रहेगा, किसी का कोई हार्ड रहेगा, तो फिर उनको कहीं ना कहीं एक करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो बच्चे बोल देंगे जिनके पेपर हार्ड रहे कि हमारा पेपर हार्ड रहा, हमको तो हमारी क्या गलती, इसमें पेपर ही हमारा हार्ड था, ठीक है। ये कोई स्कूल पेपर तो है नहीं जो सेम ही क्वेश्चन आ जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो कुछ हार्ड भी हो जाते हैं, कुछ ईजी भी हो जाते हैं। आपको भी पता, जब आप मैथ मिलाते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, कुछ ईजी हो जाते हैं, बस वही। तो ऐसे ही जब पेपर बनता है तो कोई पेपर बहुत टफ हो जाता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक सही प्रक्रिया, गलत प्रक्रिया नहीं है। इसका जो खिलाफ कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है, लेकिन वो क्या, जिसको नुकसान होता है तो फिर उसको वो बुरी लगती है। तो इसलिए प्रक्रिया सही है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है, बाकी फिर कैसे नॉर्मलाइजेशन हो, आपके नंबर प्लस ही जाएंगे, माइनस नहीं होंगे। अगर एक दो माइनस भी हो जाएगा तो भी आपका नंबर पक्का होगा। कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन एक फिक्स करता है कि ये आंकड़े वाले हमको चाहिए, और वो आंकड़ा ही फिक्स करता है, वो कहीं नहीं गलत नहीं है, वो एक अच्छी प्रक्रिया है। तो नॉर्मलाइजेशन से आपको डरना नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है। जय हिंद, जय भारत।